जिंदाबाद। आशा जी शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए अभी अभी रघु जी और आशा जी के बीच में बातचीत हो गई है और उन दोनों ने मिलके मीडिया के सामने एक जॉइंट स्टेटमेंट देने का फैसला किया है। लेकिन रघु जब तक आशा जी से माफी नहीं मांगेंगे हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हर दुश्मन जाएगा हर, आशा जी की जय जयकार, हर दुश्मन जाएगा हर, आशा जी जिंदाबाद। अच्छे से मेरी मुट्ठी में था वो रघु, लेकिन तुम्हें तो आदत है मेरा काम बिगाड़ने की, राइट? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। हाँ तुम तो हमेशा वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है। आज मिठी को ऑफिस ले आई, जरूर कोई खास कारण होगा। How nice is that? आज मिथी की छुट्टी थी और आजकल मैं भी ऑफिस आती हूँ तो मैंने सोचा उसे अपने साथ ही ले आऊं। घर पे वैसे भी कोई होता नहीं उसके साथ खेलने के लिए। तुमने पहले भी बहुत बार मैम रघु साहब आ गए, उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, विधि को ऑफिस लेकर आई हो, खबरदार जो इस कमरे से बाहर आए वरना अपनी मूवी नवरंग सब भूल जाना। अब तो समझदार हो गई हो, समझ गई हो, स्टे हियर। बहुत मुश्किल है दूर रहना। आई मीन फिल्मी दुनिया से। ये सब मेरी समझ के परे है, इसीलिए इतनी बेरुखी से पेश आए थे आप। कहते हैं कि जब इंसान को कोई चीज समझ नहीं आती तो वो उससे डरने लगता है, और अपने डर को छुपाने के लिए बेरुखी से बेहतर तरीका और क्या होता है? जब मैंने आपके सामने समझौते का हाथ बढ़ाया था तो मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। ओह या, आई एम सॉरी वंस अगेन। मैंने उस दिन काफी इमैच्योरली बिहेव किया। वेल, ये गलती तो हम दोनों से हुई थी, दैट्स ओके। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं है एक दूसरे को समझना। क्या पता अब धीरे धीरे आप फिल्म वालों को भी समझने लगे। क्या है कि कुछ बातों में आप जान जाते हैं कि आपको और जानना है कि नहीं, और मैं अपनी पसंद नापसंद नहीं बदलता। मुझे लगा कि जब आपने मेरी तरफ समझौते का हाथ बढ़ाया तो हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी, और दो दोस्तों के बीच पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। I think प्रेस के सामने सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट की बात हुई। राइट, आप वो पोस्टर देख रहे हैं? ये वाला, ये मेरी एक सुपर डुपर हिट फिल्म का पोस्टर है, और इस फिल्म को पहले मैंने करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर जब मैंने कहानी को डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा तो फिर मुझे अच्छी लगने लगी। नेवर माइंड, अगर आपको फिल्मी दुनिया के करीब आना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम आपकी दुनिया के करीब आ जाते। बिजनेस की बात करते हैं, फिल्मों में इन्वेस्ट करने के बारे में क्या ख्याल है आपका? जब मैं पहली बार आपकी दुनिया के करीब आया था तो ड्रीम गर्ल आयशा और उसकी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई थी। आप इन्वेस्ट करके और करीब आया तो पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या होगा। सो थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं अपनी बोरिंग सी जिंदगी में खुश हूं। इफ आई एम नॉट बीइंग टू नोजी, क्या आप मुझे इस नफरत का कारण बता सकते हैं?
बस ये सब मेरे लिए नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, and this is not for me. Excuse me. Never mind. कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता है तो तुम उसकी तरह बन जाओ। अगर आप हमारी दुनिया में नहीं आना चाहते तो हम आपकी दुनिया के करीब आ जाएंगे। क्षमा पाती हूँ, ये मुझे बचा के दिखाओ ना। इसे इसे ऐसे दूर की चीजें देखते हैं। देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मैम रघु साहब आ गए। उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ। रघु जी यहाँ आए हैं, एक बार मिलाती हूँ। खबरदार जो इस कमरे से बाहर आए, वरना अपनी मूवी नवरंग सब भूल जाना। मीठी, अगर तुम्हें किसी को मिलने का मन हो तो हमें क्या करना चाहिए? मिलने ना चाहिए। पर अगर हम उसे जानते भी ना हो फिर भी पता है, जब मैं गार्डन में जाती हूँ कोई भी मुझे नहीं जानता, फिर भी मैं उन्हें बोलती हूँ मुझे आपके साथ खेलना है। आपको याद नहीं है बुद्धू? और आप भी मुझे उठाने आए थे मॉर्निंग में सुबह सुबह, तभी भी आप मुझे कहाँ जानते थे ना। और उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, है ना? बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसी फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। एक बार बस देख के तो आना है, कितना वक्त लगेगा? आयशा खुद ही उनके साथ है तो उसे क्या पता लगना है। ठीक है तो फिर तुम इससे खेलो, तुम कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। क्यों जा रही हूं? ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसा करती हूं, एक बार देख ही आती हूं। वैसे भी किसी को क्या पता कि मैं कहां जा रही हूं। सर, सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर। इस तरफ। आई नो, मैं आ रहा हूं। कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे रघु जी को क्यों देखना है? अपना काम भी तो कर सकती हूँ मैं, पर अगर मुझे मिलना है तो मैं मिल क्यों नहीं सकती? अच्छे इंसान तो है पता नहीं। आयशा पार्टी वाली आयशा की तरह क्यों बिहेव कर रही थी? कल तो बिल्कुल अलग थी। पहली बार हुआ कि मैं किसी इंसान को समझ ही नहीं पा रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार देख लूं उन्हें? ओ कम ऑन रघु, यू कैन डू दिस। मीडिया ही तो है।
हजारों इंटरव्यूज दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, पर फिर मैं बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल का बच्चा पहली बार स्पीच देने जा रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं।